देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान बदस्तूर जारी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ इस अभियान में अब दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई है। दरअसल बीते मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने तमाम जिले के डीसीपी और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ अतिक्रमण को लेकर विशेष तौर पर मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली के तमाम फुटपाथ को खाली कराने के लिए योजना बनाई गई। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पटरियों पर कब्जा होने के कारण पैदल चलने वाले लोग सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जिस कारण वे किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे तमाम सड़कों को चिन्हित किया है जहां फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इन्हीं तमाम सड़कों में से एक है कंझावला रिंग रोड, जहाँ पूरी सड़क पर अतिक्रमण ने अपना जाल बिछा रखा है। फुटपाथ है नहीं, फुटपाथ पटरी पे कैसे चले? रोड रेडी लगी हुई है, झुग्गी बनी हुई है और पान पीढ़ी की दुकान लगी हुई है। ये अपने परेशान हो रहे हम तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो गया। कई बार मेरे पिताजी की चोट लगी टांग में चलने से, बड़ा बहुत परेशान हो गई हम तो। पटरी खाली होनी चाहिए, पटरी तो ये विकलांग के लिए पटरी होती है, सुधारसों के लिए भी नहीं जी। ये काफ़ी दिन हो गए, ये तो थोड़ा सा 15-25 दिन हो गए चल रहा है टूटा ठाटी जी। पहले सो रही थी एमसीडी भी, एमसीडी पहले सो रही थी, अब जागी है। साइड से जगह नहीं देते हैं, कभी इधर से गाड़ी आ जाती है कभी इधर से आती है, पटरी खाली नहीं होती है, दोनों तरफ से पटरी वाले निकलने नहीं देते हैं। अगर हम बोलते हैं तो हमारे से लड़ाई करते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इन सड़कों पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कंझावला रोड जो बाहरी रिंग रोड को जोड़ती है, ऐसे में सड़क के फुटपाथ पर बड़ी संख्या में रेडी पटरी वाले अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन इस कारण सड़क पर चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क पर लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पैदल चल रहे राहगीरों में सड़क पर चलते समय दुर्घटना का डर भी सताता रहता है। हालांकि कोई पहली ऐसी सड़क नहीं है, इसके अलावा भी आसपास के इलाकों में कई ऐसे सड़क हैं जहां पर सड़कों पर अतिक्रमण देखने को मिल ही रहा है। सड़क से गुजर रहे राहगीरों का भी कहना है कि फुटपाथ पर रेड़ी पटरी वालों के कारण उन्हें पैदल चलते समय दिल में दुर्घटना का डर बना रहता है। राहगीरों ने पुलिस के इस प्रयास का समर्थन करते हुए कहा कि इन सड़कों को जल्द से जल्द साफ करना चाहिए ताकि लोगों को एक सुरक्षित यात्रा का एहसास रहे। ऐसा है कि ये जो रोड पे हम पैदल चलते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, जैसे कि अब आप पीछे देखेंगे हमारे ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनों से बहुत हमें असुविधा होती है और एक्सीडेंट होने के हमें खतरे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कृपा करके हमें है ना ये पटरियाँ, जितनी भी पटरियाँ हैं, तकरीबन साफ करवाने की कष्ट करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा डेली अप डाउन रानी बाग से लेकर यहाँ तक होता है, लेकिन मेरे को इतनी परेशानी होती है कि आने जाने आए दिन मेरा एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। एक 10-15 दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इस बाइक वाले से कट मारा, इधर बस खड़ी थी साइड में, अब वहाँ से जाने में यहाँ से वाई ब्लॉक से जाने तक केसर विहार जाने तक कम से कम आधा घंटा लगता है। कारण क्या? ट्रैफिक, लोगों ने जगह घेर रखी है। किस तरीके से जगह घेर? अतिक्रमण देख लीजिए, काम धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, दुकानदारों को देख लो ना आप, ये देखिए ना फटे बल्ली पड़े हैं, सामान लगा के बैठे हैं, फिर उनके आगे फ्रूट रेडी वाले खड़े हो जाते हैं, तो जगह कहाँ से बचेगी? जगह कहाँ से बचेगी? पैदल चलने वाले को जगह कहाँ से मिलेगी? आप गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के दिए गए आंकड़ों की माने तो दिल्ली में पिछले साल ज़्यादा पैदल चलने वाले लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसका मुख्य कारण सड़क पर अतिक्रमण भी है। क्योंकि कई बार लोगों को पैदल चलते समय फुटपाथ पर रेड़ी पटरी वालों के कारण सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है, जिस कारण पैदल चलने वाले लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। शायद इसी का परिणाम है कि एमसीडी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी अतिक्रमण के खिलाफ एक प्रयास किया है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवा पाती है, क्योंकि फुटपाथ पर कब्जा करवाने में दिल्ली पुलिस भी एक अहम योगदान जरूर निभाती हुई नजर आती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।